देखिए, पहले तो सिंगल स्क्रीन का ही ज़माना था, और सन 64 में ये सिनेमा हॉल जब मेरे पिताजी ने बनाया तो ये राजस्थान का तो सबसे बड़ा सिनेमा हॉल था ही। इसमें 1145 करीब करीब 1200 सीटों का हॉल बनाया गया था। बैठने में 1200 लोग बैठ सकते थे इसमें, और राजस्थान का पहला 70 mm प्रोजेक्शन वाला सिनेमा हॉल यही था, और एशिया इंडिया का दूसरे नंबर का। इससे पहले एक दिल्ली में, और उस जमाने की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी थी, जर्मन टेक्नोलॉजी के तो प्रोजेक्टर लगाए गए थे जो आज भी कायम है और चल रहे हैं, और साउंड सिस्टम टॉड एओ स्टीरियोफोनिक साउंड सिस्टम का राजस्थान का ये पहला सिनेमा हॉल था। और इसकी लाइट एंड साउंड इतनी बढ़िया थी कि दर्शकों में एक क्रेज़ हो गया था, और बाद में बहुत डिमांड हुई कि साहब अंग्रेज़ी पिक्चरें भी चलाई जाएं। तो संडे मॉर्निंग शो इस हॉल में चलाया जाता था, जो हर संडे इनवेरिएबली फुल रहता था। अब जैसे जैसे ट्रेंड बदला, मल्टीप्लेक्सेज आने लगे, तो 2005 तक लोगों का रुझान मल्टीप्लेक्सेस पे होने लगा। नई जेनरेशन आ गई, उनको मल्टीप्लेक्सेस पसंद आ रहे थे। अब मैंने देखा हमारा सिनेमा हॉल फिर हमने 2005 में बंद कर दिया था। अब 15-16 साल बाद ऐसा लग रहा है कि लोगों को सिंगल स्क्रीन में जो पिक्चर देखने का मज़ा आता है, वो OTT पे या घर में TV पे, इस पे वो मज़ा नहीं है जो सिंगल स्क्रीन पे होता है। और सिंगल स्क्रीन सिनेमा अब लगभग ख़त्म हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान से। अब जयपुर में ही आप देखें तो खाली 2 सिनेमा हॉल हैं जो अब सिंगल स्क्रीन बचे हैं। जो सिंगल स्क्रीन थे, या तो वो डिमोलिश हो गए, या लोगों ने उनको मल्टीप्लेक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जिस ढंग से अभी रेस्पॉन्स आ रहा है, इसका जो अनाउंसमेंट हुआ कि हम दोबारा से सिंगल स्क्रीन सिनेमा वापस खोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा बिल्कुल आभास नहीं था कि इतना उत्साह लोगों में होगा। जिस तरह से यहाँ भीड़ उमड़ रही है, लोग आ रहे हैं कि साहब सब कब खुल रहा है, इतनी उत्सुकता देखने को मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा जो पिक्चर चालू होने के बाद यहाँ देख जाएगा, वो फिर सिंगल स्क्रीन का प्रेमी हो जाएगा। इसका जो आर्किटेक्चर है, ये बड़ा अपने आप में एक अलग आर्किटेक्चर है, और हमेशा इसको लोगों ने पसंद किया। और आप जैसा देख सकते हैं कि 60 साल हो गए इस बिल्डिंग को बने, 60 साल बाद भी आज आप अंदर अगर इसमें घूम के देखेंगे, इसकी साउंड सुनेंगे, तो आपको नहीं लगेगा कि ये 60 साल पुराना थिएटर है। तो ये तो एक जयपुर की धरोहर है, राजस्थान की हेरिटेज है ये तो। और मुझे तो खुशी है कि एक बार फिर इस सिनेमा हॉल को मैं शुरू कर पा रहा हूँ, बिल्कुल उसी स्वरूप में जैसा ये 60 साल पहले था। और दर्शकों को वही आनंद आएगा जो 60 साल पहले, आप अगर देखें, रिव्यूज़ देखें, इन दिनों सोशल मीडिया पे देखिए, कितने जयपुर के हमारे जो लोग हैं, जो इस हॉल के प्रेमी थे, जो इस हॉल में कोई पिक्चर मिस नहीं करते थे, हर संडे यहाँ पे अंग्रेज़ी पिक्चर देखने आते थे, उन सब में बहुत उत्साह मुझे देखने को मिल रहा है। जो इसकी स्क्रीन है, ये राजस्थान के सारे सिनेमा हॉलों से सबसे बड़ी स्क्रीन है। तो पिक्चर की क्वालिटी देखने में वो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप खुद उस पिक्चर के एक भाग हैं, उस फिल्म के भाग हैं। और मल्टीप्लेक्सेस में, इनमें तो स्क्रीन छोटे हैं, 70 सीट के, 80 सीट के हॉल हैं वो। ऐसा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एक बंद कोठरी में बैठा दिया। और आप हॉल के देखिए, इसमें खुला खुला हॉल और इतना ह्यूज स्क्रीन, तो पिक्चर देखने का आनंद ही अलग रहता है। वो उसका प्रोजेक्शन, उसका साउंड, उसकी लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सारी चीज़ें इसमें काउंट करती हैं जो आकर्षित करती हैं दर्शक को। और बड़ा जश्न मनाया जाता था, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स, जब 100 दिन होते थे तो बड़ा यहाँ फंक्शन हुआ करता था, और सारे एक्टर, एक्ट्रेसेस, उसके जो डायरेक्टर, ये लोग यहाँ आते थे।